गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी हम जमशेदपुर में हैं। आज मेरे दादाजी का तर्पण था। ये हिंदुज़म में होता है, जो पितृपक्ष का एक मंथ होता है, जिसमें जो हम लोग के जो पूर्वज होते हैं, जैसे जो डेथ कर चुके होते हैं, उनके लिए हम लोग पानी, खाना वगैरह सब कुछ दान करते हैं। तो आज मेरे दादाजी का तिथि था, और अभी पंडित जी भी आए हुए हैं, और अभी उनका पूजा वगैरह ख़त्म हो गया। अब पूजा ख़त्म करने के बाद पंडित जी को, मतलब भोजन करने के बाद, वो भी अब जाएंगे वापस मंदिर, और फिर उसके बाद हम लोग को खाने मिलेगा। अब हम आज ही आए हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं थे, भूख लग रहा था, बट मम्मी बोली कि ऐसा है, पूजा है, तो फिर हम वेट कर रहे थे। अभी उठ के 12:30 बज रहा है और उसके बाद खाना खाएंगे। उसके बाद आज दही चूड़ा मिलेगा, जो कि झाजी लोगों का फेवरेट डिश है। पंडित जी से मम्मी पूछ रही थी, और भी कुछ कुछ दिन पूजा है उसके लिए, और पंडित जी खाना खा चुके हैं, अब हम लोग को मिलेगा दही चूड़ा। मस्त अभी दही चूड़ा खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे सोचे हैं। था बहुत ख़राब, मतलब लिटरली जो हम दोपहर में सोए हैं, वो हम डायरेक्ट शाम को उठे हैं। शाम को उठने के बाद एक वीडियो तो भी शूट करना था, वो शूट किए हैं, एलवी यादव वर्सेस फुकरा इंसान, जो चल रहा है अभी नेगेटिव पीआर एलवी यादव का, जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, उसका वीडियो शूट किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार चेक कीजिएगा। और अभी हमको, मतलब अभी गणेश पूजा चल रहा है तो मेला लगा हुआ है, तो मम्मी को बोले थे कि मम्मी मेला चलेंगे घूमने, तो अभी जाना था, बट थोड़ा बारिश का भी मौसम हो गया तो और लेट हो गया है। टाइम हो गया है आपका 7:35, तो देखते हैं अभी फिर निकलेंगे। मम्मी तैयार हो रही है, क्या पता अभी है भी नहीं घर में, हम सो के उठे, घर में कोई है नहीं, मतलब मम्मी बाहर बैठी हुई है, डैडी है नहीं घर में, बूढ़ा भाई एकदम, मतलब 3-4 दिन 5 दिन का पूरा, मतलब नींद पूरा कर ली है भाई, मतलब बहुत ख़राब सोए हैं। अभी उठ के रेडी हो गए हैं हम तो रेडी, मतलब पहले से थे, वीडियो बनाना था इसके लिए हम रेडी हो गए। उसके बाद वीडियो शूट कर लिए हैं, उसको एडिटिंग करना है, वो करेंगे थोड़े देर में, तब तक मम्मी रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर निकलेंगे मेला, और फिर वहीं पे आज डिनर बाहर पे ही करेंगे हम लोग। तो ये लेकिन पता नहीं कहाँ फ़ोन चला रही है, चले देखो, फिर फ़ोन आ गया, बहुत बिजी पर्सनैलिटी है मेरी माँ, तो फिर कॉल आ गया है, और फिर वो बात करने में बिजी हो गई है, नहीं पता कब जाएंगे। 7:50 हो रहा है, और अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं घर से। ठीक है भाई लोग निकल रहे हैं, देखो खड़ी है एकदम, मुंह पे ही खड़ी है, अब निकल रहे हैं। हेलमेट लेके जाने का मन नहीं कर रहा, गुड़गांव नहीं है ना, ये जमशेदपुर है, यहाँ पे टोरा अपना है। गुड़गांव में यार बिना हेलमेट बिना मास्क जीवन व्यतीत करना बड़ी मुश्किल था, लेकिन यहाँ तो भाई सिस्टम टाइट है अपना भी। तो यहाँ पे अभी जाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाने जाना है रेस्टोरेंट, पहले जा रहे हैं मेला घूमने। मेरा घर से ज़्यादा दूर था नहीं मेला, तो फटाफट निकल गए। मेरा घर से 800-900 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही था, तो फटाफट निकल गए।
फटाफट गाड़ी पार्क कर दी है और मम्मी के पास चल गए। और उसके बाद डेकोरेशन बहुत सेक्सी किया था इस बार डीएस में, तो वो सब देखते हुए फिर गए। मेला ख़त्म भी होने वाला था तो ज़्यादा पंडाल मतलब ज़्यादा वो जन था नहीं भीड़, और जितना भी सामान सब था वो सब भी सारा चीज़ हट गया था अप्रॉक्स अप्रॉक्स, मतलब ज़्यादा मतलब दुकान भी नहीं था, कुछ कुछ खुल गया था, जो जो था वो मतलब उतना स्पेशल था नहीं कि कुछ खरीदे। बट गणपति पप्पा को देख के भाई मतलब लिटरली में बहुत पीस फील हुआ, क्या एक साल में आते हैं। बट मतलब इन ये बचपन से ये ला मेला हम जा ही रहे हैं, हर साल जाते हैं, एक साल बस मिस हो गया था अभी क्योंकि हम विशाखापट्टनम में थे तो वो मिस हो गया था। बट उसके बाद हर साल बचपन से मतलब मम्मी बताइए कि हम हर साल बचपन से एक भी साल ऐसा नहीं है कि मिस किया ये वाला पंडाल। गणपति जी का मूर्ति देख के यार मतलब अलग ही प्यार आता है, कि मतलब लिटरली बहुत सुंदर मूर्ति लग भी रहा था देखने में, बहुत बहुत प्यारा था, बहुत मज़ा आया। झूला देख के बचपन का याद आ गया, बचपन में लड़ते थे मम्मी से डैडी से कि हमको झूला झूलना है, बट अब मन नहीं कर रहा था झूला झूलने का। बट हाँ यार पुराना याद सब बहुत मस्त मस्त आया कि हाँ कितना लड़े और कितना डांट भी खाए ये झूला के चक्कर में। ब्रेक डांस गाइस मेरा फेवरेट झूला था बचपन से आज तक, हम ब्रेक डांस हर मेला में गए हैं तो झूलते ही थे, मतलब हम एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे तो एक एरिया से दूसरे एरिया वाला ब्रेक डांस जाएंगे ही जाएंगे, कन्फर्म था। और हमको पसंद था नहीं पता क्यों, बट अभी देख के भी जाने का इंटरेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, बट बचपन में अलग ही जोश था, आई डोंट नो क्या है। बोल रहे चलने के लिए मेरे को राउंड और मम्मी नहीं जा रही है। मेरा फेवरेट पार्ट मेला का यही रहता है शूटिंग का, हमको पता नहीं क्या है लेकिन बचपन से गोली चलाने में बड़ी मजा आता है, तो हम पहुंच जाते हैं बंदूक लेके। आप लोग चेक कर सकते हैं मेरा निशाना कितना अच्छा है। वहाँ से निकल गए तो पता नहीं काहे मेरी मम्मी बार बार जितना भी खिलौना का दुकान था वहाँ रुक रही थी, फिर हमको थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मम्मी रुक कह रही थी, मम्मी को एक तो खिलौना पसंद आया था। मेरी मम्मी थोड़ी बच्ची है गाइस अभी भी, मस्त थोड़ी देर खेल ली उसके बाद वापस कर दी, खरीदी भी नहीं, हम बोले खरीद लो तो बोलती नहीं नहीं खरीदना नहीं है। मेला आए तो कुछ खाना बनता है तो हम लोग मस्त भेलपूड़ी खाने आ गए, भेलपूड़ी खाएंगे उसके बाद निकलेंगे घर क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं देखने के लिए और झूला झूलने का मन था नहीं, तो हम थोड़ा सा थोड़ा घूम के फिर फटाफट निकल गए घर। था एक आदमी वहाँ पे, हम लोग पूरा मेला घूम लिए, अब निकलने का टाइम हुआ तो गाना बंद हो गया, हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए ब्लॉग, और अभी जैसे ही निकलने लगे गाना बंद, मतलब क्या इसमें तुम क्या बोलेंगे ठीक है गाइस बाय। घर आने के बाद रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं, बारिश हो रहा था तो मस्त कार में बैठ गए और हमको कार चलाने का मन नहीं किया, तो डैडी को भी बोले डैडी आप आराम से कार चलाइए हम वाइब लेते हैं कार। हम लोग होटल पहुंच चुके हैं गाइस, मम्मी कितने दिन बाद होटल आई? बहुत दिन, मतलब कितना, दो त्रेता युग में आई थी, त्रेता युग में अक्टूबर एक साल मेरा बर्थडे में आई थी क्या ना, ऑर्डर किया है हम लोग आज वेज खाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है, क्योंकि हम थोड़ा ढोंगी पंडित है ना। खा ले खा रही है, देखो गाइस तुरंत खाने लगती है ये। मैं वीडियो बनाना चालू किया तो रुक गई, खा रही थी। गाइस खाना पीना खा के निकल गए। मम्मी गर्लफ्रेंड का याद आ रहा, मौसम रोमांटिक हो रहा है, इज्जत ही नहीं करती है, सही का याद आ रहा नहीं मानती है। मौसम वो जमशेदपुर का बहुत अलग है, मतलब गुड़गांव में नॉर्मल वेदर चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं बारिश का मौसम क्यों चल रहा है। गाड़ी खुल गया है क्या कहे ले? मेरे को लाट खाने के लिए बारिश का मौसम चल रहा है, ये कोई रीजन था नहीं बट ठीक है। क्या मोटूस बैठ गई है बारिश का मौसम हमको वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है बट अच्छा लगता है भाई, फैमिली के साथ बारिश में आराम से कार में बैठ जाओ और गाड़ी में घूमते रहो आराम से, मज़ा आता है। और गाना जो सुन रहे थे वो डाल नहीं सकते बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चला लो 90s का
और मस्त आराम से घूमते रहो, कोई लोड नहीं। जीवन सुखमय, सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण जीवन जियो आराम से बारिश का मौसम में। आज डैडी और मम्मी के साथ बहुत दिन बाद होटल गए, बहुत मज़ा आया। घर पहुँच गए गाइस, नींद आ रहा है अब फिर से, नहीं पता क्यों दोपहर में भी बहुत सोए, अभी फिर नींद आ रहा है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।